हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स देवी। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एसटीपी मॉडल के बारे में। एस स्टैंड फॉर मार्केट सेगमेंटेशन, टी स्टैंड फॉर मार्केट टारगेटिंग एंड पी स्टैंड फॉर प्रोडक्ट पोजीशनिंग, दैट इज कॉल्ड एसटीपी मॉडल। तो हम इनके बारे में इंडिविजुअली पढ़ते हैं और मैं आपको एसटीपी मॉडल का एक बेस्ट एग्जाम्पल दूंगी। तो पूरा देखने के लिए वीडियो के साथ बने रहे। सो लेट स्टार्ट। सबसे पहले पढ़ते हैं कि मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है। जो भी हमारी जो प्रोस्पेक्टिव बायर्स हैं, हमारा टोटल मार्केट है, हमारे टोटल बायर्स हैं, हम उनको क्या करते हैं, सिमिलर उनकी करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट उनके सेगमेंट बनाते हैं उनकी सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग, दैट इज कॉल्ड मार्केट सेगमेंटेशन। ओके, तो आप सेगमेंटेशन किस तरीके से कर सकते हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग, तो उसके भी चार टाइप्स होते हैं, फोर टाइप्स ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। फर्स्ट वन इज जियोग्राफिक, सेकेंड इज डेमोग्राफिक, थर्ड इज साइकोग्राफिक एंड फोर्थ वन इज बिहेवियर। तो जियोग्राफिक के अंदर क्या क्या आएगा, मतलब उनके रीजन के अकॉर्डिंग उनको सेगमेंट करना, उनके कंट्री साइज के अकॉर्डिंग, सिटी साइज के अकॉर्डिंग, पॉपुलेशन डेंसिटी के अकॉर्डिंग, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग। अब डेमोग्राफिक में क्या आता है, डेमोग्राफिक में पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स आती हैं, जैसे उनका एज, इनकम, जेंडर, फैमिली साइज, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, रिलीजन, रेस, नेशनैलिटी। तो ये सब किस में आ जाएगा, डेमोग्राफिक में। अब साइकोग्राफिक में क्या आएगा, जैसे कि सोशल क्लास, लाइफस्टाइल, पर्सनालिटी, तो ये सब साइकोग्राफिक में आ जाएगा। अब बिहेवियरल में क्या आएगा, परचेज ओकेजन, यूजर स्टेटस, यूसेज रेट, लॉयलिटी स्टेटस, रेडीनेस स्टेट, एटीट्यूड टुवर्ड्स प्रोडक्ट। तो ये सारी करेक्टरिस्टिक्स किसके अंदर आ जाएंगी, ये बिहेवियरल का पार्ट हो जाती है। तो इस चार टाइप से हम क्या कर सकते हैं, मार्केट को सेगमेंट कर सकते हैं। अब सेगमेंटेशन के बाद क्या करेंगे, हम उनको टारगेट करेंगे। अब टारगेट कैसे करते हैं, हम जो भी हमने डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट बनाए हैं उनकी करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग, उसमें से जो भी मोस्ट प्रॉफिटेबल और जो भी मोस्ट अट्रैक्टिव सेगमेंट है, हम उसको चूज करते हैं और टारगेट करते हैं। ए ग्रुप ऑफ पीपल दैट हैव बीन आइडेंटिफाइड एज द मोस्ट लाइकली पोटेंशियल कस्टमर फॉर ए प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ देयर शेयर्ड करेक्टरिस्टिक्स सच एज एज, इनकम, लाइफस्टाइल। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर लेते हैं, उनको उनके सेगमेंट को एक दो सेगमेंट को चूज कर लेते हैं आउट ऑफ टोटल। अब सबको तो हम अपने प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं कर सकते, इसीलिए तो हमने डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट बनाए हैं। उसके बाद जो भी हमें अट्रैक्टिव लगता है, जो भी हमें लगता है कि इसमें पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, जो हमारे प्रोडक्ट की, जिनको हमारे प्रोडक्ट की नीड है, जो हमारे प्रोडक्ट की तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, दैट इज कॉल्ड टारगेट मार्केट। अंडरस्टूड। अब क्या करते हैं, टारगेट करने के बाद हम पोजीशनिंग करते हैं। पोजीशनिंग का मतलब क्या है कि उनके दिमाग में हमारे प्रोडक्ट के लिए, हमारे ब्रांड के लिए एक पोजीशन क्रिएट करना, किसके दिमाग में, कस्टमर के दिमाग में, एक मार्केट में जगह बनाना। अंडरस्टूड। तो पोजीशनिंग डिफाइन वेयर योर प्रोडक्ट स्टैंड इन रिलेशन टू अदर ऑफरिंग सिमिलर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इन द मार्केट प्लेस एज वेल एज द माइंड ऑफ द कंज्यूमर। मतलब एक यूनिक पोजीशन क्रिएट करना कि जो भी हमारा कॉम्पिटिटर हमारा सिमिलर प्रोडक्ट बेच रहा है, तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो कैसे यूनिक है कस्टमर के दिमाग में, वो पोजीशन क्रिएट करना इज कॉल्ड प्रोडक्ट पोजीशनिंग। अगर हम गुड पोजीशनिंग करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट यूनिक हो जाएगा और कंज्यूमर को क्या चाहिए, एक अच्छा और यूनिक प्रोडक्ट ही तो चाहिए। तो कंज्यूमर क्या करेगा, अगर हम उसके दिमाग में एक अच्छी इमेज, एक अच्छी पोजीशन बनाएंगे, तो कंज्यूमर हमारे ही प्रोडक्ट को प्रेफर करेगा ओवर कॉम्पिटिटर। अंडरस्टूड। तो अब मैं आपको एक इन तीनों का एक बेस्ट एग्जाम्पल दूंगी एसटीपी मॉडल का, तो आपको बिल्कुल क्लियर अंडरस्टैंड हो जाएगा जो भी आपको रह गया है कि एसटीपी मॉडल एक्चुअली में काम कैसे करता है ना। सेगमेंटेशन, द स्किन केयर ब्रांड सेगमेंट इट्स प्रोडक्ट बेस्ड ऑन वेरियस क्राइटेरिया, जैसे कि स्किन टाइप, एज, जेंडर, लाइफस्टाइल। फॉर इंस्टेंस, द कंपनी माइट टारगेट इंडिविजुअल विद ड्राई स्किन, एक्ने प्रोन स्किन, सेंसिटिव स्किन एंड डेवलप स्पेसिफिक प्रोडक्ट टू कैटर टू ईच प्रोडक्ट नीड। ये क्या करता है, जो भी हमारा स्किन केयर ब्रांड सेगमेंट है वो किस क्राइटेरिया को देखेगा, मेनली तो सबसे पहला है स्किन टाइप और फिर एज, जेंडर एंड लाइफस्टाइल, है ना। तो ये क्या करता है, कुछ इंडिविजुअल जो कस्टमर्स को टारगेट करता है, मतलब जिनकी ड्राई स्किन है, एक्ने प्रोन है, सेंसिटिव स्किन है एंड डेवलप, उनके लिए क्या करता है, एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाता है उनकी हर एक नीड को पूरा करने के लिए। अंडरस्टूड। तो हम क्या कर रहे हैं, उनको सेगमेंट कर रहे हैं उनके एज के अकॉर्डिंग, उनके जेंडर के अकॉर्डिंग, उनके लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग, और उनको एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग।
तो अब हमने सेगमेंटेशन कर ली, तो सेगमेंटेशन के बाद हम क्या करेंगे, टारगेट करेंगे, टारगेटिंग। अब हमने डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे सेगमेंट बना लिए, अब हम मोस्ट प्रॉफिटेबल और जो मोस्ट अट्रैक्टिव सेगमेंट होता है उसको हम क्या करते हैं, चूज करते हैं और उसको टारगेट करते हैं ब्रांड की वैल्यू और गोल्स के अकॉर्डिंग, है ना। फॉर एग्जाम्पल अब हम स्किन केयर ब्रांड का एग्जाम्पल ले रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, यंग वुमेन एज 18 to 35 हु आर इंटरेस्टेड इन स्किन केयर एंड ब्यूटी, तो उनके एज और उनके जेंडर के अकॉर्डिंग, वो किसमें आया था, वहां पे डेमोग्राफिक के अंदर आया था, उसके अकॉर्डिंग क्या किया, चूज किया, है ना। अब सबको पता है कि जो यंग वुमेन होती हैं वो ज्यादा इंटरेस्टेड होती हैं अपनी, ज्यादा कॉन्शियस होती हैं अपनी स्किन को लेकर, अपनी ब्यूटी को लेकर। तो क्या किया, एक स्किन केयर ब्रांड ने क्या किया, यंग वुमेन को सिलेक्ट किया जिनकी एज 18 to 35 है और जो इंटरेस्टेड है अपनी स्किन केयर और ब्यूटी के में, हैव ए हाई डिस्पोजेबल इनकम एंड आर कॉन्शियस ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन द प्रोडक्ट दे यूज। अब हम भी कुछ अपनी स्किन पे अप्लाई करते हैं, कोई फेस वॉश या फिर कोई क्रीम, तो हम भी इंग्रेडिएंट्स देखते हैं कि उसके अंदर क्या है, कहीं हमें अपने मुंह पे अप्लाई करेंगे तो कहीं हमें कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं हो जाएंगे। तो ये हर कोई देखता है, कोई भी अपनी स्किन पे ऐसे कोई भी प्रोडक्ट अप्लाई नहीं करता है, हर कोई अपनी स्किन के लिए काफी कॉन्शियस होता है। तो ऐसे ही उन्होंने क्या किया, अपने एक दो सेगमेंट जो भी उन्होंने बनाए थे उसको, जो भी उनको अट्रैक्टिव लगे उसको क्या किया, टारगेट किया, चूज किया। अब हम क्या करेंगे, पोजीशनिंग। अब स्किन केयर ब्रांड पोजीशन कैसे क्रिएट कर सकता है, इटसेल्फ एज ए प्रीमियम हाई क्वालिटी ब्रांड दैट यूजेस नेचुरल एंड ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स टू डिलीवर इफेक्टिव स्किन केयर सॉल्यूशन। तो वही ही प्रोडक्ट ज्यादा बिकता है स्किन केयर वाला जिसके अंदर केमिकल यूज ना हो। तो हमने क्या करना है, स्किन केयर ब्रांड क्या करता है, कस्टमर के माइंड में पोजीशन क्रिएट करता है कि जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो आपकी जो स्किन को है वो साइड इफेक्ट नहीं करेगा, और हमने सिर्फ स्किन मतलब नेचुरल और ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स ही यूज कर रहे हैं। तो कैसे एक प्रीमियम और हाई क्वालिटी एज ए कस्टमर के माइंड में पोजीशन क्रिएट करता है, दैट इज कॉल्ड पोजिशनिंग। द कंपनी मार्केट कैंपेन्स फोकस ऑन हाईलाइटिंग इन प्रोडक्ट्स यूनिक फीचर्स जैसे हाइड्रेशन, एंटी एजिंग, ए ब्लैमिश कंट्रोल, एम्फेसाइजिंग द बेनिफिट्स दे प्रोवाइड टू कस्टमर स्किन। एडिशनली द स्किन केयर ब्रांड में यूज इन्फ्लुएंसर्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू शोकेस इट्स प्रोडक्ट एंड कनेक्ट विद इट्स टारगेट ऑडियंस। तो ये जो स्किन केयर ब्रांड होते हैं वो क्या करते हैं, टारगेट ऑडियंस के साथ कनेक्ट करने के लिए, अवेयर करने के लिए अपने प्रोडक्ट को, तो वो क्या करते हैं, इन्फ्लुएंसर जो एक्टर होते हैं, एक्ट्रेस होते हैं, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे क्या दिखाने के लिए, प्रोडक्ट को कनेक्ट करने के लिए टारगेट ऑडियंस को उनके एडवर्टीजमेंट भी कराते हैं, दैट इज कॉल्ड पोजीशनिंग, ताकि उनके दिमाग में एक पर्टिकुलर इमेज क्रिएट हो हमारे ब्रांड को लेकर, कस्टमर के दिमाग में कि हम जब भी हमारे प्रोडक्ट का, हमारे ब्रांड का नाम आए तो वो जो यूनिक फीचर है वो उनके माइंड में उसी टाइम स्टक हो जाए। ऐसे पोजीशन क्रिएट करनी है हमने कस्टमर के माइंड में, अंडरस्टूड। तो आई होप आप लोगों को ये एसटीपी मॉडल अच्छे तरीके से समझ आया होगा विद एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के साथ तो और भी चीजें क्लियर होती हैं, तो आई होप आप लोगों को भी क्लियर हुआ होगा। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।